नमस्कार। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 7,27,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह रकम ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को गिफ्ट की थी। जानकारी के अनुसार जैकलीन के पास इतनी रकम की एक एफडी है जिसे ईडी ने जब्त कर लिया। एक्ट्रेस जैकलीन से ईडी की टीम 3 बार पूछताछ भी कर चुकी है। उनसे तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके संबंधों को लेकर पूछताछ हुई है। उनके खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है और 5 दिसंबर 2021 को देश से बाहर जाने की कोशिश करते हुए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। ईडी के सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर के बीच करीबी रिश्ते हैं और वह एक्ट्रेस पर पानी की तरह पैसे लुटाता था। चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी गिफ्ट की थी। इसके अलावा 52 लाख रुपए के घोड़ा, 9 लाख रुपए की 4 पर्शियन बिल्ली भी गिफ्ट की थी। जैकलीन के लिए सुकेश ने कई चार्टेड फ्लाइट भी बुक की थी। ईडी सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जांच में सामने यह भी आया कि एक्ट्रेस जैकलीन से सुकेश ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान कई बार फोन पर बात की थी। इसके पुख्ता सबूत मिलने के बाद ईडी की एक टीम तिहाड़ जेल का दौरा भी कर चुकी है, लेकिन अब ईडी की टीम ने एक्ट्रेस जैकलीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 7,27,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है।